कभी सोचा नहीं था कि उसे अपने आप पर इतना भरोसा होगा और उसकी कला आज उसे इतना ऊपर लाएगी। याद है आज भी मुझे वो दिन जहां उसे मैंने खुद तैयार किया था। उससे ज्यादा तो मैं खुश थी। औरों की तरह आपने भी उसे पहचाना नहीं होगा। जी हाँ, ये है मेरा छोटा भाई ज्ञानेश, ज्ञानेश्वर भंगर। ज्ञानेश को लगा था कि पिछले दिन की तरह उस दिन भी सब उसकी तारीफ करेंगे, पर हुआ ही कुछ ऐसा। बचपन से ही ज्ञानेश को डांस करना पसंद था और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका मन लावणी में लगने लगा और साथ ही ज्ञानेश को एहसास हुआ कि उसे लड़कियों की तरफ नहीं बल्कि लड़कों की तरफ आकर्षण है। इसी वजह से ज्ञानेश के सारे दोस्त उससे दूर होने लगे, उसकी इधर उधर बातें करने लगे और मजाक उड़ाने लगे। ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं थी, ऐसा हमेशा ज्ञानेश के साथ होता रहा। अब ज्ञानेश को ऐसी परिस्थिति में अकेले रहने की आदत हो गई थी। वक्त बीतता गया। ज्ञानेश हमेशा इसी सोच में रहता कि कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल कर जाते हैं। इन सब के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी, लोगों के बातों का अपने आप पर असर होने नहीं दिया और डांस के साथ साथ उसने अपनी 10वीं की परीक्षा की भी तैयारी कर ली।
का चक्कर ना बेटा तू छोड़ दे, वरना कुछ नहीं होगा तेरा। दसवीं कक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गए और हम सब बहुत खुश हो गए। बहुत कोशिशों के बाद उसे 11वीं कक्षा के लिए कॉलेज में एडमिशन मिला। ग्यारहवीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला था और ज्ञानेश बड़े भैया के साथ रिजल्ट लेने कॉलेज गया। इस बार उसने परीक्षा में अव्वल नंबर लाया और हम सब चौंक गए। बनती है बाटे 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 बाटे। अरे तेरी वो बंदी का क्या हुआ? कुछ नहीं रे, छोड़ के चली गई। अच्छा स्विम, वो ज्ञानेश्वर को दिखा क्या? ये हॉट दिखता है वो। अरे वो एक रात के लिए मिल जाए ना, कम मजा आएगा। अरे उसका तो बॉयफ्रेंड है। भैया के दोस्तों को पता नहीं था कि ज्ञानेश हमारा भाई है। ज्ञानेश कहाँ है? ज्ञानेश को पता था मुझे। भाला क्या हुआ? बहुत सुन रहा हूँ तेरे बारे में आजकल। यहाँ पे जहाँ पे भी जितने भी लोग हैं सब मुझे तेरे बारे में बता रहे। आई ये सब जानती है, ऐसा मतलब ये नहीं कि वो उनको पता नहीं। तू हमारे मन मर्जी से रहेगा, नहीं तो ये सब फालतूगिरी करना तो यहाँ से बाहर निकल जा। भाई भाई आराम से बात कर, मैं मेरी लाइफ में मेरी क्या हुआ? क्या हुआ? समझा क्या तो? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? पूछो आपके बेटे से। बीट सुगर का मार रहे हैं माँ। मत लड़ो। बाबा के गुजर जाने के बाद घर की स्थिति ही बदल गई। पूरे घर में मायूसी छा गई थी। बड़े भैया दारू के नशे में डूब गए थे, उनसे उम्मीद भी क्या रखी जा सकती थी। घर का खर्चा कौन उठाता? इसलिए ज्ञानेश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घर चलाने के लिए वह काम पर लग गया। पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। वो काम के साथ साथ डांस शोज भी करने लगा और पैसे कमाने लगा।
ये लो आई मेरी पगार। कभी सोचा है ज्ञानेश को कैसा लगता होगा? अक्सर सोचता हूं कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत? क्यों उस गली से गुजरते समय लोग मुझे देखते हैं? उन्हें मेरे रूप से तकलीफ है या जिंदगी के चयन से? क्या मुझे अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जीने का अधिकार नहीं है? कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि उनके मुख से हंसी की लाली फूटती है और मेरे मुड़ते ही थूक और अपमानजनक बातों की बौछार बरस पड़ती है? जी हाँ, ये वही लोग हैं जो मेरे नृत्य से अपना मनोरंजन करते हैं, पर उसके बाद अनुचित वार्तालाप भी करते हैं। यह सब देखकर अक्सर आंखें भर आती है, उम्मीद की किरण भ्रष्ट हो जाती है और सीना भी लज्जित हो जाता है। शर्मिंदगी महसूस होना बंद ही नहीं होती कि मानो किसी ने सुई से दिल में छेद करने शुरू किए हो। मोम सा यह दिल फिर से पिघलना शुरू हो जाता है। ख्वाबों का पैमाना मानो टूट चुका है। खैर, फिर सुबह की पहली किरण अश्रु को सुखाकर उम्मीद को जगाती है कि मैं जैसा हूं मैं हूं। जिंदगी भले ही अपने रंग बदले पर मैं अपने मंजिल पर टिका रहूं। भले समाज ने मुझे ना अपनाया पर मैं अपने आप को बहुत भाया। फिर वो मुस्कान चेहरे पर खिल उठती है और हृदय को सुकून मिलता है। फिर वही नजर आईने में मिलाकर गर्व होता है कि हार नहीं माननी है और जिंदगी के इस खूबसूरत सफर पर कदम नहीं रुकाने हैं। रास्तों पर कांटों से डरना नहीं है और डरे भी क्यों? रास्तों पर फूल भी तो खिले हैं, उनका मजा लेते लेते बस चलते ही रहना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरे जैसे लोगों की इज्जत करें, आखिर हम भी तो इंसान ही है ना। सो लेट मी बी क्लियर, आई एम प्राउड टू बी गे एंड आई कंसिडर बींग गे अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन मी।